हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू प्रियरंजन कंप्यूटर ट्यूटोरियल। मैं हूं आपका एक्सेल फ्रेंड और मैं आज लेकर आया हूं आपके लिए एक फार्मूला जिसका नाम वी लुकअप है। अगर इसका हिंदी में मतलब निकाले तो शायद कुछ और हो सकता है। खैर, आइए हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि एक्चुअल में ये है क्या। देखिए, वी लुकअप एक रिफरेंस फीचर है। इसके जरिए हम लोग कोई स्पेसिफिक वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमारा बहुत बड़ा डाटाबेस हो, उस डाटाबेस में से हम कोई स्पेसिफिक वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। और इसकी टेक्निकल डिटेल्स के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। देखिए, इसका नाम वी लुकअप है। ये फार्मूला क्या करता है कि एक अगर हमने कोई वैल्यू फाइंड कर ली हो तो यह सबसे लेफ्ट में उस वैल्यू को ढूंढेगा, फिर उस लेफ्ट में से एक लेफ्ट कॉलम के वैल्यू को ढूंढेगा और उस वैल्यू के हिसाब रोज में राइट हैंड साइड में जो रो जा रही होगी उस रो में से कॉरेस्पेंडिंग कॉलम से एक स्पेसिफिक वैल्यू उठाकर हमें देगा। कितना कॉम्प्लिकेटेड है बोलने में, लेकिन सिंपल में बताऊं तो ये जो हमारा टेबल है ये इजी नहीं है। ये इसको हम मीडियम लिख लेते हैं, यहाँ पे उसको एडिटिंग कर लेते हैं, MEDIUM मीडियम, ठीक है, ओके। तो अब मैं सिखाता हूँ कि वी लुकअप एग्जैक्टली करता कैसे, काम कैसे करता है। ये क्या करता है कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं ग्रेप्स, तो एक्चुअल में ग्रेप्स जो है 5 तारीख को कितने सेल हुए, चूँकि यहाँ पर हमारा डाटाबेस बहुत छोटा है तो आप देख के बता सकते हैं। लेकिन डाटाबेस आपका बहुत लंबा हो, बहुत बड़ा हो या किसी दूसरे सीट पे आपका डाटा हो तो उस समय आपको प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है, कि हम अगर वैल्यू को निकालते हैं और डाटाबेस आपका लंबा है, दूसरे सीट पे है तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो वी लुकअप क्या करेगा कि आपको उस वैल्यू को निकाल कर देगा। और ये ऐसे भी काम करेगा कि लेफ्ट हैंड साइड के पहले में, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें देखेगा कि आपको ढूंढना क्या है, ठीक है, यानी कॉलम में से देखेगा कि आपको ये ग्रेप्स, यानी कॉलम में से देखेगा कि आपको एप्पल या कोई और फ्रूट्स ढूंढना है। फिर ये क्या करेगा कि राइट साइड में, इधर इस वाले कॉलम से इधर राइट साइड में क्या करेगा कि जो रोज चल रही है इनमें से कौन से कॉलम में आपका डाटा पड़ा हुआ है, यहाँ के रेफरेंस के हिसाब से वो डाटा आपको उठाकर दे देगा, ठीक है। तो आइए हम लोग करते हैं। एक्सेल में दो तरीके से हम फार्मूले यूज़ कर सकते हैं, पहला सिंटैक्स के माध्यम से, दूसरा आप जाते हैं फार्मूला टाइप में और इंसर्ट फंक्शन का यूज़ करके उसमें फार्मूला टाइप करते हैं और तब काम करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा तरीका है सिंटैक्स के द्वारा, इज इक्वल टू वी लुकअप लिखते हैं। वी लुकअप जैसे ही लिखते हैं हमारे सामने में इसके जो फीचर्स हैं टेक्निकल वो सामने आ जाते हैं। इसको पढ़ते हैं, लुक्स फॉर अ वैल्यू इन द लेट मोस्ट कॉलम ऑफ अ टेबल एंड देन रिटर्न्स अ वैल्यू इन द सेम रो फ्रॉम अ कॉलम यू स्पेसिफाई। बाय डिफॉल्ट द टेबल मस्ट बी सॉर्टेड इन एन असेंडिंग ऑर्डर। कॉम्प्लिकेटेड बहुत है, बताना नहीं है मुझे, ऑलरेडी मैंने इसका टेक्निकल आपको बता दिया है। ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करने के बाद में ये पूछा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू यानी कि क्या ढूंढना है आपको, तो हम इस ग्रेप्स को सिलेक्ट करते हैं, देन कॉमा, बहुत आराम से समझिएगा। उसके बाद में पूछ रहा है टेबल एरे। टेबल एरे यानी कि आपका डाटा कहाँ पे है, आप उसका रेंज बताइए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इसको सिलेक्ट कर देते हैं, ठीक है, टेबल एरे आपका हो गया। फिर क्या करेंगे, आप कॉमा लगाएंगे। अच्छा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स कहने का मतलब ये जो दिख रहे हैं ए बी सी डी, ये आपके कॉलम होते हैं और 1 2 3 इस टाइप से आपका रो होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसको कॉलम इंडेक्स नंबर देना है। तो हमें फाइंड क्या करना है, ग्रेप्स। ग्रेप्स एक्चुअल में 5 तारीख को कितने बिके थे ये हमें फाइंड करना है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको काउंट करके बताएंगे। एक हमें यहाँ पे न्यूमेरिकल नंबर देने होते हैं वी लुकअप में, वो कैसे देने हैं,
जैसे हम यहाँ पे काउंट करेंगे, जैसे ये हमारा नेम वाला कॉलम है, ये हमारा वन कॉलम हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, फिर सेकेंड थर्ड, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे ये 5 अप्रैल को 6 नंबर कॉलम हो रहा है, चूँकि डेट है हमारा 5 और कॉलम 6 हो रहा है। इसका कारण ये हुआ कि हमने क्या किया था कि ये नेम वाले कॉलम को भी हमने काउंट कर लिया, इसलिए हमारे 6 हो गए। तो कॉलम नंबर हमारा कितना है, 6 है, तो हम यहाँ पे क्या दे देंगे, 6 देंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में हम कॉमा देंगे, और कॉमा देने के बाद में हम 0 लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये 0 मैंने क्यों लिखा, इसको भी ज़रा समझ लीजिएगा। ये बेसिकली इसलिए देते हैं कि आपको ट्रू या फॉल्स वैल्यू यूज करना है, या फिर एग्जैक्ट वैल्यू को ढूंढना चाहते हैं। अगर आपको एक्सेल एग्जैक्ट वैल्यू ढूंढनी है तो यहाँ पे हम 0 इंटर कर देंगे, और नज़दीक की वैल्यू ढूंढनी है तो हम क्या करेंगे, 1 को एंटर कर देंगे, ठीक है। टेक्निकल फंडा है, इसमें मत जाइए, सिर्फ क्या करेंगे, 0 को आप एंटर कीजिए और कहानी ख़त्म कीजिए, ठीक है। ब्रैकेट को हम लोग क्लोज करते हैं, एंटर करते हैं, ये हमारा ग्रेप्स बता दिया 15, देखते हैं ये ग्रेप्स 15 हमारे सेल हुए हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको चेंज करके देखते हैं। जैसे हम ग्रेप्स के बदले में बनाना करते हैं, BABANA बनाना, पहले देख लेते हैं बनाना एक्चुअल में 5 तारीख को कितने सेल हुए हैं, 40 सेल हुए हैं, ठीक है। अब हम चेंज करके देखेंगे कि एक्चुअल में हमारा चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये देखिए बनाना आपका 40 है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इसी फार्मूले को दूसरे तरीके से यूज़ करके देखते हैं, ठीक है। ये फार्मूला टैब है, इंसर्ट फंक्शन में जाते हैं, और यहाँ पे हम लोग टाइप करते हैं वी लुकअप, ठीक है, सॉरी जी हो गया। देखिए एक्सेल में क्या है ना कि एक भी गलती एक्सेल कभी माफ़ नहीं करता है, तो इसका बहुत ध्यान रखना होता है आपको। तो हम क्या करेंगे, वी लुक लुकअप, वी लुकअप लिखा और गो पे क्लिक किया। ये देखिए जैसे मैंने वी लुकअप लिखा, गो पे क्लिक किया, हमारे सामने में सबसे पहला ऑप्शन वी लुकअप आ गया। अच्छा, इसके नीचे देख सकते हैं कुछ और फार्मूले लिखे हुए हैं यहाँ पे, लुकअप, एच लुकअप, ये ऑलरेडी मैंने बता दिया है, इफ़ मैच भी मैंने बता दिया है, काउंट इफ मैं जल्द ही बताऊँगा आपको, ठीक है। ओके करते हैं, ओके करने के बाद में ये देखिए लुकअप वैल्यू पूछ रहे हैं, लुकअप वैल्यू डैट मीन्स कि आपको क्या ढूंढना। एक गलती मैंने यहाँ पे कर दी थी, ये देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किए हुए मैंने इसको ओपन कर दिया था, लेकिन अब ऐसा नहीं करेंगे, पहले इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं, और डिलीट करके तब हम लोग जाते हैं इंसर्ट फंक्शन में, वी लुकअप लिखते हैं, गो पे क्लिक करते हैं, ये वी लुकअप है, ओके को क्लिक किया। अब हमारा जो वाइड जो मैंने कर्सर रखा था यहाँ पे, अब मेरा कर्सर वहीं पे है। लुकअप वैल्यू क्या ढूंढना चाहते हैं, मैंने कहा मैंगो को ढूंढना है, ठीक है। टेबल एरे कहाँ से ढूंढना चाहते हैं, यहाँ से ढूंढना चाहते हैं, मैंने टेबल को सिलेक्ट किया, ओके। कॉलम इंडेक्स नंबर, अच्छा चूँकि ये मैंगो हमारा है और हम अब 7 अप्रैल को देखना चाहते हैं कि मैंगो जो है 7 अप्रैल को कितने बिके हैं, ठीक है। तो अब हम ऐसे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यानी कि 7 अप्रैल हमारा 8 नंबर कॉलम में आ रहा है, तो हम यहाँ पर टाइप कर देंगे 8। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 0 क्यों देना है, तो हम यहाँ पे 0 देंगे, और फाइनली हम ओके करेंगे। ये देखिए हमारा मैंगो 58 आ रहा है, यहाँ पे भी देख सकते हैं मैंगो आपका 58 आ रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ से वैल्यू को चेंज करके देखते हैं, अब हम ग्रेप्स करते हैं, पहले देख लेते हैं कि ग्रेप्स एक्चुअल में कितने बिके हैं, 69 बिके हैं, ठीक है। एंटर करते हैं, ये देखिए आपका 69 इसने बता दिया, ठीक है। तो जैसे जैसे आप चेंज करेंगे वैल्यू भी अपने आप चेंज होती जाएगी, ठीक है। तो कई लोगों को जो है ना वीडियो बार बार देखना पड़ता है, मैंने काफ़ी लोगों को इसके बारे में बताया है, कई लोग अक्सर दोबारा आकर मुझसे अपने डाउट के बारे में पूछते हैं, कई बार तो मुझे ही डाउट हो जाता है कि मैं सही से सिखाता भी हूँ कि नहीं सिखाता हूँ। लेकिन लोगों का मानना है कि ये फार्मूला थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला है, तो वीडियो देखने के बाद में प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हो सकता है कि आप भी कन्फ्यूजन में रहें। तो उम्मीद है कि ये फार्मूला आपको समझ में आया होगा।
मैं कोशिश ये करूँगा कि वी लुकअप या लुकअप एच लुकअप से रिलेटेड जितने भी हमारे फार्मूले हैं मैं इसको जल्द से जल्द आप लोगों को बताऊँ, आपके सामने में रखूँ। और ज़्यादा डिटेल्स में अगर हमारे बारे में जानना चाहते हैं, हमारे ट्यूटोरियल के बारे में जानना चाहते हैं और मोर वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो हमारा वेबसाइट है www.priyaranjankomputertutorial.weebly.com। आप इस वेबसाइट पे जाइए और हमारे ये जो ट्रेनिंग जो मैंने अभी कराया है इसकी फाइल्स मैंने इस पे अपलोड की हुई है, इसको आप ज़रूर डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करके आप अपने कंप्यूटर सिस्टम पे इसको प्रैक्टिस कीजिए। तो दिस इज़ योर एक्सेल फ्रेंड साइनिंग ऑफ फॉर द डे। हैव अ वंडरफुल डे अहेड। हैप्पी एक्सेल लर्निंग।